महादेव, आप सभी को नागपंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे नागपंचमी पर जब किए जाने वाले भविष्य पुराण के तीन विशेष मंत्र के साथ तीन विशेष उपाय। सावन का ये माह भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है, इसीलिए श्रावण मास के दौरान लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं। मंदिर ही नहीं, घरों और सड़कों पर भी कांवड़िए लोग भक्ति में लीन नजर आते हैं। इसी महीने में नागपंचमी का त्यौहार भी आता है और इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन माह के शुक्ल पद की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस बार ये पर्व 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है और कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वहीं कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो इस दिन कर लेने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आगे जानेंगे ये शुभ कार्य। पहले जानते हैं नाग पंचमी के दिन जप करने वाले पौराणिक नाग मंत्र, जिनका जप करना इस दिन अत्यंत शुभ और लाभदायी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करके पूजन करना लाभदायी होता है। नाग पंचमी पर नाग पूजन के ये मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र है ओम भूत गीन साय विग्रहे सर्प राजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र है सर्व नागः प्रियन्ताम् मे ये एतत् पृथ्वी तले ये च शैलिं द्वितिष्ठा येन तरे दिव संसिता ये नदीश महानागा ये सरस्वती गामिना ये चा वापित दागेशु तेषु सर्वेशु वै नमः। इसका अर्थ है संपूर्ण आकाश पृथ्वी स्वर्ग सरोवर तालाबों नल कूप सूर्य किरणें आदि जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान हैं वे सभी हमारे दुखों को दूर करके हमें सुख शांति पूर्वक जीवन दें। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम हो। और तीसरा मंत्र है अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंख पालम धार्त राज तथक काली तथा एतानि नव नमाम नागानाम च महात्मनाम साई काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषिता तस्मै विश्वभयं नास्ति सर्वज्ञ विजयी भवेत्। प्रतिदिन ये मंत्र प्रातः और सायंकाल जपने से व्यक्ति को चारों दिशाओं से विजय प्राप्त होती है और विश्व भय नहीं रहता है। इस बार नाग पंचमी पर नाग देवता के इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और आप जानते हैं नाग पंचमी के दिन के वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। इसके लिए पहला कार्य है नाग देवता को दूध चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इससे आपको सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और नाग पंचमी के दिन दूसरा शुभ कार्य इन मंत्रों का जाप करना है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और इसे मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके कष्ट कम होंगे और साथ ही साथ आपको झूठे आरोपों से भी छुटकारा मिलेगा।
इसके अलावा इस दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ साथ राहु मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सहवे नमः और केतु के मंत्र ओम स्त्रम स्त्री स्त्रों सह केतुवे नमः का जाप भी करें। और तीसरा शुभ कार्य है नागपंचमी का चांदी की वस्तुएं खरीदें। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन चांदी की वस्तुओं की खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि चांदी नाग देवता से जुड़ी हुई है और चांदी की वस्तु खरीदने से वे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि चांदी धन का प्रतीक भी है, इसीलिए इस धातु की वस्तुएं खरीदने से शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थे इस दिन के तीन शुभ कार्य। और आपने जाने पौराणिक नाग मंत्र। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोची सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।